नमस्कार। आज हम लोग प्राणायाम के ऊपर में कुछ बातचीत और विचार करेंगे और प्राणायाम के अभ्यास को भी समझने का प्रयास करेंगे। योग अभ्यास में किसी भी चीज़ को समझने से पहले उस स्रोत को जहाँ से ये ज्ञान प्रवाहित होता है उन गुरु का स्मरण करेंगे। प्राणायाम को समझने के लिए सबसे पहले हमें अपने श्वास प्रश्वास को समझना पड़ेगा। हम साधारणतया प्राणायाम को करने के समय सोचते हैं कि अनुलोम विलोम है, भस्त्रिका है, कपाल भाती है, भ्रामरी है और भी बहुत सारे प्राणायाम के अभ्यास हैं, लेकिन उन सबको समझने से पहले हमको प्राण और आयाम इन दो शब्दों के बारे में थोड़ा विचार करना पड़ेगा। और प्राण को समझने के लिए सबसे पहले हमें अपने स्वाभाविक श्वास की क्रिया के प्रति थोड़ी जागरूकता बढ़ानी पड़ेगी। सबसे पहले आराम से सीधे बैठ जाएंगे, हाथ घुटने के ऊपर रख लेंगे, हथेली आकाश की तरफ, चिन को थोड़ा नीचे की तरफ रखकर स्वाभाविक छोटे श्वास की अभ्यास से हम अपने प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। तो एक बार 10 श्वास की गति के अभ्यास के बाद मन स्थिति को अनुभव करने का प्रयास करेंगे। अभ्यास कैसे करना है वो एक बार देख लेते हैं। स्वाभाविक श्वास पहले छोटे श्वास से शुरू करेंगे। दस बार इस तरीके से श्वास की गति के अभ्यास के बाद में मन की स्थिति स्वाभाविक रूप से बदलने लग जाएगी। थोड़ी देर 10 श्वास के अभ्यास के बाद उस स्थिति को थोड़ा परखने का अभ्यास करेंगे, अंदर के हुए अनुभव के साथ तालमेल बिठाने का प्रयास करेंगे, शरीर को स्थिर रखेंगे। प्राण को समझने के लिए अभ्यास की आवश्यकता थोड़ी और अधिक होगी। कम से कम 40 से 80 श्वास के अभ्यास की क्रिया को करने का शास्त्रों में या योग से संबंधित जो भी हमारे पास में टेक्स्ट उपलब्ध हैं उनमें बताया गया है। जब आप इस अभ्यास को नॉर्मल स्वाभाविक श्वास की क्रिया में अधिक से अधिक लंग्स के एक्सपेंशन और उसके फिर श्वास छोड़ते हुए पेट को अंदर लेकर जाने की क्रिया को 30-40 बार ऐसे करेंगे और थोड़ी देर आप स्थिर बैठेंगे तो आपको अब आभास होगा कि चारों तरफ शांति और सौहार्द का वातावरण बनने लग गया है। यही हमारे प्राण का जागरूक प्राण के बारे में जो जागरूकता है वो यहाँ से शुरू होगी। इस स्वाभाविक श्वसन के अभ्यास से हमको अपने ब्रेथ और उससे संबंधित और भी अधिक रुचि और गहराई में उतरने का अंदर अनुभव और प्रयास कैसे उस तरफ आगे बढ़ेंगे उस पर कॉन्फिडेंस आने लगेगा। तो इसीलिए सबसे पहले बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों में ना जाकर हम छोटी चीज़ जो हमारी स्वाभाविक श्वास की क्रिया है उसके अभ्यास पर जोर डालना चाहिए और उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। तो
तो श्वास और प्राणायाम से संबंधित अभ्यास नंबर वन यही होना चाहिए कि स्वाभाविक श्वसन की क्रिया को 40, 80 बार, 100 बार, 120 बार, जितनी बार आपसे संभव होता है, एक सेटिंग में बैठकर यथाशक्ति, हो सकता है आपके पास बस 20 श्वास करने का ही अभी सामर्थ्य हो, तो 20 श्वास करके आराम से स्थिर बैठ जाएंगे और फिर उसी को रिपीट करते रहेंगे। इस तरीके से 5 मिनट, 7 मिनट नॉर्मल श्वास के साथ रहने के बाद एक अलग अनुभव आपके अंदर आने लगेगा। यही प्राण को समझने की क्रिया इसी जगह से आरंभ होती है और फिर हम इसके बाद आगे प्राणायाम के और दूसरे अभ्यास को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला अभ्यास लेसन नंबर वन, स्वाभाविक श्वसन, एक बार हम उसको फिर से 20 बार कर आप लोगों के लिए दिखाने का प्रयास करेंगे। शरीर सीधा, हाथ से घुटने को थोड़ा नीचे प्रेस करेंगे, स्पाइनल कॉलम थोड़ा सीधा होगा, चिन को थोड़ा थ्रोट की तरफ लेकर के जाएंगे और छोटे श्वास से शुरू करेंगे। आखिरी श्वास अधिक से अधिक गहरा और फिर शरीर को छोड़ देंगे आराम से। हो सकता है श्वास के आने में थोड़ा विलंब हो, इसके लिए कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसी पॉज के लिए ये सारा अभ्यास हो रहा है। इसको अभ्यास में और अंदर गहरे उतरते समय आप खुद ब खुद समझने लग जाएंगे। लेसन नंबर वन में इतना ही, हम आगे अनुलोम विलोम के बारे में चर्चा करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।